पुरातात्विक स्रोत पुरातत्व संबंधी सामग्री का राजस्थान के इतिहास निर्माण में महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अंतर्गत खोजों और उत्खनन से मिलने वाली ऐतिहासिक सामग्री है। गोपीनाथ शर्मा ने लिखा है, यह ठीक है कि ऐसी सामग्री का राजनीतिक इतिहास से सहज और सीधा संबंध नहीं है, परंतु इमारतें, भवन, किले, राजप्रासाद, घर, बस्तियां, भग्नावशेष, मुद्राएं, लेख, मूर्तियां, स्मारक आदि से हम ऐतिहासिक कालक्रम का निर्धारण तथा वास्तु और शिल्प शैलियों का वर्गीकरण कर सकते हैं। जनजीवन की पूरी झांकी पुरानी बस्तियों तथा अन्य प्रतीकों से प्रस्तुत की जा सकती है। स्मारकों के अध्ययन से न केवल स्थापत्य और मूर्तिकला ही जानी जाती है, अपितु उनसे उस समय के धार्मिक विश्वास, पूजा पद्धति और सामाजिक जीवन पर भी प्रकाश पड़ता है। प्रागैतिहासिक काल से मध्यकाल तक के अनेक भग्नावशेष तत्कालीन अवस्था का चित्र हमारे सम्मुख उपस्थित करते हैं। इसी प्रकार सिक्के, शिलालेख एवं दान पत्र भी अपने समय की ऐतिहासिक घटनाओं एवं स्थिति के साक्षी हैं। पुरातात्विक सामग्री का अध्ययन हम निम्न भागों में कर सकते हैं। उत्खनित पुरावशेष इतिहास लेखन को नए आधार पर खड़ा करने हेतु इतिहासकारों का ध्यान लंबे समय से राजस्थान के पुरातत्व की ओर है। प्राग ऐतिहासिक राजस्थान के इतिहास को जानने के लिए पुरातात्विक साक्ष्य राजस्थान में बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। पुरातात्विक स्रोतों में उत्खनित पुरावशेष, मृतभांड, औजार एवं उपकरण, शैल चित्र, शिलालेख, सिक्के, स्मारक, दुर्ग, मंदिर, स्पूत, स्तंभ आदि मूर्तियां प्रमुख है। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में प्रारंभ करने का श्रेय श्री ACL कार्लाइल को जाता है। कालांतर में राजस्थान में व्यापक स्तर पर उत्खनन कार्य प्रारंभ किया गया। इसका श्रेय SR राव, DR भंडारकर, दयाराम साहनी, HD सांकलिया, VN मिश्र, RC अग्रवाल, BB लाल, SN राजगुरु, DP अग्रवाल, विजय कुमार, ललित पांडे, जीवन खरकवाल जैसे विद्वानों को जाता है। इन विद्वानों द्वारा किए गए उत्खननों से यह प्रमाणित हुआ है कि यहाँ पाषाण युगीन एवं ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियां अवस्थित थीं। उत्खननों द्वारा जो पुरावशेष प्राप्त हुए वे वस्तुतः इतिहास लेखन के लिए सामग्री उपलब्ध करवाते हैं। इन पुरातत्व वेताओं की बागोर, कालीबंगा, नगरी, बैराट, आहड़, गिलुंड, तिलवाड़ा, गणेश्वर, रंगमहल, रेड, सांभर, मंडोर, डीडवाणा, सुनारी, नौह, जोधपुरा, बालाथल आदि के उत्खनन कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका रही। इन स्थलों से प्राप्त सामग्री के आधार पर राजस्थान की कई नवीन संस्कृतियों का ज्ञान होता है। यहाँ से प्राप्त पाषाण उपकरण, मृतभांड, धातु उपकरण, आभूषण तथा दैनिक जीवन में काम आने वाली अनेकानेक वस्तुओं के संस्कृतियों के विकास क्रम को समझने में सहायता मिलती है। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला तथा चंबल नदी घाटी में ऐसे शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं जिनसे प्रागैतिहासिक काल के मानव द्वारा प्रयोग में लाए गए पाषाण उपकरण, अस्थि अवशेष
एवं अन्य पुरा सामग्री प्राप्त हुई है। इन शैलाश्रयों की छत, भित्ति आदि पर प्राचीन मानव द्वारा उकेरे गए शैल चित्र तत्कालीन मानव जीवन की झलक देते हैं। इनमें सर्वाधिक आखेट दृश्य उपलब्ध होते हैं। बूंदी में झाझा नदी तथा कोटा में चंबल नदी क्षेत्र उल्लेखनीय है। इनके अतिरिक्त विराट नगर, जयपुर, सोहनपुरा, सीकर तथा हरसोरा, अलवर आदि स्थानों से चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं। शिलालेख पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत अन्य महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख हैं। इसका मुख्य कारण उनका तिथियुक्त एवं समसामयिक होना है। ये साधारणतः पाषाण पट्टिकाओं, स्तंभों, शिलाओं, ताम्रपत्रों, मूर्तियों आदि पर खुदे हुए मिलते हैं। इनमें वंशावली, विजय, दान, उपाधियां, शासकीय नियम, उपनियम, सामाजिक नियमावली अथवा आचार संहिता, विशेष घटना आदि का विवरण उत्कीर्ण करवाया जाता रहा है। इनके द्वारा सामंतों, रानियों, मंत्रियों एवं अन्य गणमान्य नागरिकों द्वारा किए गए निर्माण कार्य, वीर पुरुषों का यशोगान, सतियों की महिमा आदि की जानकारी मिलती है। इनकी सहायता से संस्कृतियों के विकास क्रम को समझने में भी सहायता मिलती है। प्रारंभिक शिलालेखों की भाषा संस्कृत है, जबकि मध्यकालीन शिलालेखों की भाषा संस्कृत, फारसी, उर्दू और राजस्थानी है। जिन शिलालेखों में किसी शासक की उपलब्धियों की यशोगाथा होती है उसे प्रशस्ति कहते हैं। महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित कीर्ति स्तंभ की प्रशस्ति तथा महाराणा राज सिंह की राज प्रशस्ति विशेष महत्वपूर्ण मानी जाती है। शिलालेखों में वर्णित घटनाओं के आधार पर हमें तिथि क्रम निर्धारित करने में सहायता मिलती है। बहुत से शिलालेख राजस्थान के विभिन्न शासकों और दिल्ली के सुल्तानों तथा मुगल सम्राटों के राजनीतिक तथा सांस्कृतिक संबंधों पर प्रकाश डालते हैं। शिलालेखों की जानकारी सामान्यतः विश्वसनीय होती है, परंतु यदा कदा उनमें अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन भी पाया जाता है, जिनकी पुष्टि अन्य साधनों से करना आवश्यक हो जाता है। यहाँ हम राजस्थान के चुने हुए प्रमुख शिलालेखों का ही अध्ययन करेंगे, जिससे उनकी उपयोगिता का उचित मूल्यांकन हो सके। संस्कृत शिलालेख गोसुंदी शिलालेख द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व। यह लेख कई शिलाखंडों में टूटा हुआ है। इसके कुछ टुकड़े ही उपलब्ध हो सके हैं। इसमें एक बड़ा खंड उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित है। यह लेख गोसुंदी गांव नगरी चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ था। इस लेख में प्रयुक्त की गई भाषा संस्कृत और लिपि ब्राह्मी है। प्रस्तुत लेख में संकर्षण और वासुदेव की पूजा गृह के चारों ओर पत्थर की चार दीवारी बनाने और गजवंश के सर्वताद द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराने का उल्लेख है। इस लेख का महत्व द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में भागवत धर्म का प्रचार, संकर्षण तथा वासुदेव की मान्यता और अश्वमेध यज्ञ के प्रचलन के कारण है। मान मोरी अभिलेख 713 ईस्वी। यह लेख चित्तौड़ के पास मानसरोवर झील के तट से कर्नल टॉड को मिला था। चित्तौड़ की प्राचीन स्थिति एवं मौर्य वंश के इतिहास के लिए यह अभिलेख उपयोगी है। इस लेख से यह ज्ञात होता है कि
की धार्मिक भावना से अनुप्राणित होकर मानसरोवर झील का निर्माण करवाया गया था। गटियाला के शिलालेख 861 ईस्वी गटियाला जोधपुर के पास इस गांव से प्राप्त दो लेखों में मंडोर के प्रतिहार वंश की उत्पत्ति, प्रतिहार शासकों की नामावली एवं उनकी उपलब्धियों का उल्लेखनीय उनकी उपलब्धियों पर उल्लेखनीय प्रकाश डाला गया है। इन लेखों में प्रतिहार वंश के राजा हरिश्चंद्र और उनके उत्तराधिकारियों के राज्य विस्तार के बारे में जानकारी मिलती है। यह शिलालेख कुक्कुक के समय लिखा गया था। सारणेश्वर प्रशस्ति 553 ईस्वी उदयपुर में शमशान के सारणेश्वर नामक शिवालय पर स्थित इस प्रशस्ति से वराह मंदिर की व्यवस्था, स्थानीय व्यापार, कर, शासकीय पदाधिकारियों आदि के विषय में पता चलता है। गोपीनाथ शर्मा की मान्यता है कि मूलतः यह प्रशस्ति उदयपुर के आहड़ गांव के किसी वराह मंदिर में लगी होगी। बाद में इसे वहां से हटाकर वर्तमान सारणेश्वर मंदिर के निर्माण के समय में सभा मंडप में छपने के काम में ले ली होगी। बिजोलिया शिलालेख 1170 ईस्वी जैन श्रावक लोलाक द्वारा यह लेख बिजोलिया कस्बे के पार्श्वनाथ मंदिर परिसर की एक बड़ी चट्टान पर उत्कीर्ण करवाया गया। इसका रचयिता गुणभद्र और उत्कीर्णकर्ता गोविंद था। लेख संस्कृत भाषा में है और इसमें 93 पद्य हैं। यह अभिलेख चौहानों का इतिहास जानने का महत्वपूर्ण साधन है। इस अभिलेख में उल्लेखित विप्रह श्रीवत्स गोत्रे भूतम के आधार पर डॉक्टर दशरथ शर्मा ने चौहानों को वत्स गोत्र का ब्राह्मण कहा है। इस अभिलेख से तत्कालीन कृषि, धर्म तथा शिक्षा संबंधी व्यवस्था पर भी प्रकाश पड़ता है। उस समय दिए जाने वाले भूमि अनुदान को दोहली कहा जाता था। लेखों के द्वारा हमें कई स्थानों के प्राचीन नामों की जानकारी मिलती है, जैसे जाबालीपुर, जालोर, शाकंबरी, सांबर, श्रीमाल, भीनमाल आदि। चिरवे का अभिलेख 1273 ईस्वी चिरवा उदयपुर गांव के एक मंदिर से प्राप्त संस्कृत में 51 श्लोकों के इस अभिलेख से मेवाड़ के प्रारंभिक गुहिल वंशीय शासकों चिरवा गांव की स्थिति, विष्णु मंदिर की स्थापना, शिव मंदिर के लिए भू अनुदान आदि का ज्ञान होता है। इस लेख द्वारा हमें प्रशस्तिकार रत्न प्रभ सूरी, लेखक पार्श्वचंद्र तथा शिल्पी देलहण का बोध होता है, जो उस युग के साहित्यकारों तथा कलाकारों की परंपरा में थे। लेख से गोचर भूमि, पाशुपत, शैव धर्म, सती प्रथा आदि पर प्रभुत प्रकाश पड़ता है। रणकपुर प्रशस्ति 1439 ईस्वी रणकपुर के जैन चौमुखा मंदिर में लगी इस प्रशस्ति में मेवाड़ के शासक बापा से कुंभा तक की वंशावली है। इस प्रशस्ति में बापा और काल भोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है। इसमें महाराणा कुंभा की विजयों और विरुद्धों का भी वर्णन है। इस लेख में नानक शब्द का प्रयोग मुद्रा के लिए किया गया है। स्थानीय भाषा में आज भी नाना शब्द मुद्रा के लिए प्रयुक्त होता है। इस प्रशस्ति में मंदिर के सूत्रधार दीपा या देपा का उल्लेख है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 1460 ईस्वी
यह प्रशस्ति कई शिलाओं पर खुदी हुई थी और संभवतः कीर्ति स्तंभ की अंतिम मंजिल की ताकों पर लगाई गई थी, किंतु अब केवल दो शिलाएं ही उपलब्ध है जिन पर प्रशस्ति है। हो सकता है कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति पर पड़ने वाली बिजली के कारण शिलाएं टूट गई हों। वर्तमान में 1 से 28 तथा 162 से 187 तक श्लोक ही उपलब्ध है। इनमें बाप्पा, हम्मीर, कुंभा आदि शासकों का वर्णन विस्तार से मिलता है। इससे कुंभा के व्यक्तिगत गुणों पर प्रकाश पड़ता है और उसे दान गुरु, शेल गुरु आदि विरुद्धों से संबोधित किया गया है। इससे हमें कुंभा द्वारा विरचित ग्रंथों का ज्ञान होता है, जिनमें चंडी शतक, गीत गोविंद, कीटिका, संगीत राज आदि प्रमुख है। कुंभा द्वारा मालवा और गुजरात की सम्मिलित सेनाओं को हराना प्रशस्ति के 179वें श्लोक में वर्णित है। इस प्रशस्ति के रचयिता अत्रि और महेश थे। रायसिंह प्रशस्ति 1594 ईस्वी बीकानेर दुर्ग के द्वार के पार्श्व में लगी। यह प्रशस्ति बीकानेर नरेश रायसिंह के समय की है। इस प्रशस्ति में बीकानेर के संस्थापक राव बीका से रायसिंह तक के बीकानेर शासकों की उपलब्धियों का जिक्र है। इस प्रशस्ति में रायसिंह द्वारा मुगलों की सेवा के दौरान प्राप्त उपलब्धियों पर भी प्रकाश पड़ता है। इसमें उनकी काबुल, सिंध एवं कच्छ विजयों का वर्णन किया गया है। इस प्रशस्ति से गढ़ निर्माण के कार्य के संपादन का ज्ञान होता है। इस प्रशस्ति में रायसिंह की धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का उल्लेख है। इस प्रशस्ति का रचयिता जेता नाम का जैन मुनि था। यह संस्कृत भाषा में है। आमेर का लेख 1612 ईस्वी। आमेर के कछवाह वंश के इतिहास के निर्माण में यह लेख महत्वपूर्ण है। इसमें कछवाह शासकों को रघुवंश तिलक कहा गया है। इसमें पृथ्वीराज, भारमल, भगवंत दास और मानसिंह का उल्लेख है। इस लेख में मानसिंह को भगवंत दास का पुत्र बताया गया है। मानसिंह द्वारा जमुआ रामगढ़ के दुर्ग के निर्माण का उल्लेख है। लेख संस्कृत तथा नागरी लिपि में है। जगन्नाथ राय का शिलालेख 1652 ईस्वी उदयपुर के जगन्नाथ राय मंदिर के सभा मंडप के प्रवेश द्वार पर यह शिलालेख उत्कीर्ण है। यह शिलालेख मेवाड़ के इतिहास के लिए उपयोगी है। इसमें बापा से महाराणा जगत सिंह तक के शासकों की उपलब्धियों का उल्लेख है। इसमें हल्दी घाटी युद्ध महाराणा जगत सिंह के समय में उसके द्वारा किए जाने वाले दान पुण्यों का वर्णन दिया गया है। इसके रचयिता तेलंग ब्राह्मण कृष्ण भट्ट तथा मंदिर का सूत्रधार बाणा तथा उसका पुत्र मुकुंद था। राज प्रशस्ति 1676 ईस्वी राजसमंद जिले में कांकरोली के पास राजनगर में राजसमुद्र बांध पर सीढ़ियों के पास वाली ताकों पर 25 बड़ी शिलाओं पर उत्कीर्ण राज प्रशस्ति महाकाव्य देश का सबसे बड़ा शिलालेख है। इसकी रचना बांध तैयार होने के समय राज सिंह के काल में हुई। इसका रचनाकार रणछोड़ भट्ट था। यह प्रशस्ति संस्कृत भाषा में है, परंतु अंत में कुछ पंक्तियां हिंदी भाषा में भी है। इसमें तालाब के काम के लिए नियुक्त निरीक्षकों एवं मुख्य शिल्पियों के नाम है। इसमें तिथियों
तथा ऐतिहासिक घटनाओं का सटीक वर्णन है। इसमें वर्णित मेवाड़ का प्रारंभिक इतिहास तो अधिक विश्वसनीय नहीं है, परंतु अन्य वर्णन तथा बाद का इतिहास उपयोगी है। इस प्रशस्ति में उल्लेखित है कि राज समुद्र बांध बनवाने के कार्य का प्रारंभ दुष्काल पीड़ितों की सहायता के लिए किया गया था। महाराणा राज सिंह की उपलब्धियों की जानकारी के लिए यह प्रशस्ति अत्यंत उपयोगी है। इस प्रशस्ति से यह भी ज्ञात होता है कि राज समुद्र तालाब की प्रतिष्ठा के अवसर पर 46,000 ब्राह्मण तथा अन्य लोग आए थे। तालाब बनवाने में महाराणा ने 1,05,07,608 रुपये खर्च किए थे। यह प्रशस्ति 17वीं शताब्दी के मेवाड़ के सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन को जानने के लिए उपयोगी है। फारसी शिलालेख भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना के पश्चात फारसी भाषा के लेख भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। ये लेख मस्जिदों, दरगाहों, कब्रों, सरायों, तालाबों के घाटों, पत्थरों आदि पर उत्कीर्ण करके लगाए गए थे। राजस्थान के मध्यकालीन इतिहास के निर्माण में इन लेखों के महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनके माध्यम से हम राजपूत शासकों और दिल्ली के सुल्तानों तथा मुगल शासकों के मध्य लड़े गए युद्धों, राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों पर समय समय पर होने वाले मुस्लिम आक्रमणों, राजनीतिक संबंधों आदि का मूल्यांकन कर सकते हैं। इस प्रकार के लेख अजमेर, सांभर, नागौर, मेड़ता, जालौर, सांचौर, जयपुर, अलवर, टोंक आदि क्षेत्रों में अधिक पाए गए हैं। फारसी भाषा में लिखा सबसे पुराना लेख अजमेर के ढाई दिन के झोंपड़े में गुंबज की दीवार के पीछे लगा हुआ मिला है। यह लेख 1200 ईस्वी का है और इसमें उन व्यक्तियों के नामों का उल्लेख है जिनके निर्देशन में संस्कृत पाठशाला तोड़कर मस्जिद का निर्माण करवाया गया। चित्तौड़ की दाइबी पीर नामक दरगाह से 1332 ईस्वी का फारसी लेख मिला है, जिससे ज्ञात होता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम खिजराबाद कर दिया था। जालौर और नागौर से जो फारसी शिलालेख मिले हैं उनसे इस क्षेत्र पर लंबे समय तक मुस्लिम प्रभुत्व की जानकारी मिलती है। पुष्कर के जहांगीर महल के लेख 1615 ईस्वी से राणा अमर सिंह पर जहांगीर की विजय की जानकारी मिलती है। इस घटना की पुष्टि 1637 ईस्वी के शाहजहानी मस्जिद अजमेर के लेख से भी होती है। ताम्र पत्र इतिहास निर्माण में ताम्र पत्रों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। प्रायः राजा या ठिकाने के सामंतों द्वारा इनाम, दान पुण्य, जागीर आदि अनुदानों को ताम्र पत्रों पर खुदवाकर अनुदान प्राप्तकर्ता को दे दिया जाता था, जिसे वह अपने पास संभाल कर पीढ़ी दर पीढ़ी रख सकता था। ताम्र पत्रों में पहले संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया, परंतु बाद में स्थानीय भाषा का प्रयोग किया जाने लगा। दान पत्र में राजा अथवा दानदाता का नाम, अनुदान पाने वाले का नाम, अनुदान देने का कारण, अनुदान में दी गई भूमि का विवरण, समय तथा अन्य जानकारी का उल्लेख होता है। इसलिए दान पत्रों से हमें कई राजनीतिक घटनाओं, आर्थिक स्थिति, धार्मिक विश्वासों, जातिगत स्थिति
आदि के बारे में उपयोगी जानकारी मिलती है। कई बार दान पत्रों से विविध राजवंशों के वंश क्रम को निर्धारित करने में भी सहायता मिलती है। आहड़ के ताम्रपत्र 1206 ईस्वी में गुजरात के मूलराज से लेकर भीमदेव द्वितीय तक सोलंकी राजाओं की वंशावली दी गई है। इससे यह भी पता चलता है कि भीमदेव के समय में मेवाड़ पर गुजरात का प्रभुत्व था। खेरोदा के ताम्रपत्र 1437 ईस्वी से एकलिंगजी में महाराणा कुंभा द्वारा दान दिए गए खेतों के आसपास से गुजरने वाले मुख्य मार्गों, उस समय में प्रचलित मुद्रा, धार्मिक स्थिति आदि की जानकारी मिलती है। चिकली ताम्रपत्र 1483 ईस्वी से किसानों से वसूली जाने वाली विविध लाग बागों का पता चलता है। पुर के ताम्रपत्र 1535 ईस्वी से हाड़ी रानी कर्मावती द्वारा जोहर में प्रवेश करते समय दिए गए भूमि अनुदान की जानकारी मिलती है। सिक्के राजस्थान के इतिहास लेखन में सिक्कों से बड़ी सहायता मिलती है। ये सोने, चांदी, तांबे अथवा मिश्रित धातुओं के होते थे। सिक्के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक एवं भौतिक जीवन पर उल्लेखनीय प्रकाश डालते हैं। इनके प्राप्ति स्थलों से काफ़ी सीमा तक राज्यों के विस्तार का ज्ञान होता है। सिक्कों के ढेर राजस्थान में काफ़ी मात्रा में विभिन्न स्थानों पर मिले हैं। 1871 ईस्वी में कार्लाइल को नगर उणियारा से लगभग 6000 मालव सिक्के मिले थे, जिससे वहां मालवों के आधिपत्य तथा उनकी समृद्धि का पता चलता है। रेड टोंक की खुदाई से वहां 3075 चांदी के पंचमार्क सिक्के मिले हैं। ये सिक्के भारत के प्राचीनतम सिक्के हैं। इन पर विशेष प्रकार का चिन्ह टंकित है और कई लेप नहीं है। ये सिक्के मौर्य काल के थे। 1948 ईस्वी में बयाना में 1921 गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्के मिले हैं। गुप्त शासकों के सिक्के बयाना के अलावा जयपुर के मोरौली एवं टोंक के सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल रेड के समीप बेड, अहेड़ा अजमेर तथा सायला टोंक नामक स्थानों से प्राप्त हुए हैं। इन सिक्कों पर विष्णु वाहन गरुड़ के अतिरिक्त लक्ष्मी का प्राय अंकन किया जाता है। प्रतिहार शासक मिहिर भोज के कपितय सिक्के राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों, गंगानगर क्षेत्र के मावल देसर, नौहर, पल्लू एवं नावा जैसे स्थानों तथा मारवाड़ क्षेत्र के डेगाना एवं अजमेर के निकट बघेरा नामक स्थानों से प्राप्त हुए हैं। इन्हें मुद्रा शास्त्रियों ने आदि वराह प्रकार से अभिहित किया है। इन सिक्कों पर एक ओर विष्णु के वराह अवतार का अंकन है तथा दूसरी ओर श्रीमदा दीवरा है। मुद्रा लेख उत्कीर्ण है। हमें चौहान वंशीय नरेश अजय राज के भी सिक्के प्राप्त होते हैं, जिन पर लक्ष्मी का अंकन है। तत्कालीन राजपुताना की रियासतों के सिक्कों के विषय पर वेब ने 1893 ईस्वी में द करेंसीज ऑफ द हिंदू स्टेट्स ऑफ राजपुताना नामक पुस्तक लिखी, जो आज भी अद्वितीय मानी जाती है। विद्वान पुरातत्ववेता एवं मुद्रा शास्त्री कनिंघम, रेपसन, रेवू आदि के अध्ययन में राजपुताना के सिक्कों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। 10वीं-11वीं शताब्दी में प्रचलित सिक्कों पर गधे के समान आकृति का अंकन मिलता है, इसलिए इन्हें गधिया सिक्के कहा जाता है।
इस प्रकार के सिक्के राजस्थान के कई हिस्सों से प्राप्त होते हैं। मेवाड़ में कुंभा के काल में सोने, चांदी, तांबे के गोल व चौकोर सिक्के प्रचलित थे। महाराणा अमर सिंह के समय में मुगलों के साथ संधि हो जाने के बाद यहाँ मुगलिया सिक्कों का चलन शुरू हो गया। मुगल शासकों के साथ अधिक मैत्रीपूर्ण संबंधों के कारण जयपुर के कछवाहा शासकों को अपने राज्य में टकसाल खोलने की स्वीकृति अन्य राज्यों से पहले मिल गई थी। यहाँ के सिक्कों को झाड़साई कहा जाता था। जोधपुर में विजयशाही सिक्कों का प्रचलन हुआ। बीकानेर में आलमशाही नामक मुगलिया सिक्कों का काफ़ी प्रचलन हुआ। ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के बाद कलदार रुपये का प्रचलन हुआ और धीरे धीरे राजपूत राज्यों में ढलने वाले सिक्कों का प्रचलन बंद हो गया। स्मारक एवं मूर्तियाँ। राजस्थान में अनेक स्थलों से प्राप्त भवन, दुर्ग, मंदिर, स्पूत, स्तंभ आदि से तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। प्राचीन दुर्ग एवं भवन राजस्थान में स्थान स्थान पर देखे जा सकते हैं। चित्तौड़, जालौर, गागरौन, रणथंभौर, आमेर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, कुंभलगढ़, अचलगढ़ आदि दुर्ग इतिहास के बोलते साक्ष्य हैं। दुर्गों में बने महल, मंदिर, जलाशय आदि तत्कालीन समाज एवं धर्म की जानकारी देते हैं। राजस्थान के प्रसिद्ध मंदिर यथा देलवाड़ा एवं रणकपुर के जैन मंदिर, आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर, नागदा का सास बहू का मंदिर, उदयपुर का जगदीश मंदिर, ओसिया का सच्चियाय माता एवं जैन मंदिर, झालरापाटन का सूर्य मंदिर आदि उल्लेखनीय हैं। इनके अतिरिक्त किराड़ू, बाड़ोली, पुष्कर आदि स्थानों के मंदिर भी इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी हैं। ये मंदिर धर्म एवं कला के लिए अध्ययन के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। मूर्तियों के गहन अध्ययन से तत्कालीन वेशभूषा, श्रृंगार के तौर तरीकों, आभूषणों, विविध वाद्य यंत्रों, नृत्य के मुद्राओं आदि का बोध होता है। राजस्थान में स्थापत्य एवं तक्षण कला के लिए चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित कीर्ति स्तंभ का श्रेष्ठ उदाहरण है। आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर मुगल राजपूत समन्वय की दृष्टि से उल्लेखनीय है। चित्रकला। राजस्थान के लोगों की चित्रकला में रुचि आदि काल से ही रही है। शैल चित्र इसके उदाहरण है। जैसलमेर के जैन भंडार से प्राचीनतम सचित्र ग्रंथ प्राप्त हुए हैं। 11वीं से 15वीं शताब्दी तक के सचित्र ग्रंथों में निशीत चूर्णी, ऋषि अष्टलिका, पुरुष चित्र, नेमिनाथ चरित्र, सुपासन चरित्रम, गीत गोविंद आदि प्रमुख है। विभिन्न राज दरबारों में आश्रित चित्रकारों ने अपने अपने ढंग से चित्र बनाने प्रारंभ किए। अतः विभिन्न चित्र शैलियों मेवाड़ शैली, आमेर शैली, मारवाड़ शैली, बूंदी शैली, किशनगढ़ शैली, कोटा शैली, नाथद्वारा शैली आदि का विकास हुआ। मारवाड़ शैली के अंतर्गत चित्रित उत्तराध्ययन सूत्र, पंचतंत्र तथा जयपुर शैली में 12 मासा, रागमाला आदि राजस्थानी चित्र शैली के तो श्रेष्ठ उदाहरण हैं ही, साथ ही इतिहास के स्रोत भी हैं। नाथ द्वारा कलम में बने पुष्टि मार्ग से प्रभावित श्रीनाथ जी के चित्र तथा प्राकृतिक चित्रण अत्यंत सजीव है। किशनगढ़ एवं बूंदी चित्र शैली में नारी का श्रृंगार का चित्रण, कोटा का शिकार दृश्य उल्लेखनीय है। राजस्थान की चित्रकला से सांस्कृतिक
इतिहास लेखन में काफ़ी सहायता मिलती है। साहित्यिक स्रोत। राजस्थान के इतिहास के लेखन के लिए संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, राजस्थानी, हिंदी, फारसी आदि कृतियाँ बड़ी उपयोगी है। इन कृतियों के रचयिता या तो राज्याश्रय प्राप्त विद्वान थे या स्वांतः सुखाई की दृष्टि से लिखने वाले मनीषी थे। इन कृतियों से तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों, सामाजिक एवं धार्मिक जीवन, युद्ध प्रणाली पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। यद्यपि इन ग्रंथों में अक्सर अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन मिलता है, फिर भी इनका ऐतिहासिक महत्व कम नहीं है। निसंदेह ये ग्रंथ अपने रचनाकाल की प्रवृत्तियों एवं गतिविधियों के बहुमूल्य साक्ष्य हैं, किंतु इनका उपयोग संतुलित एवं पैनी दृष्टि से करने की जरूरत है। संस्कृत साहित्य। ऐतिहासिक साहित्यिक स्रोतों में संस्कृत साहित्य का बड़ा महत्व है। मध्यकालीन राजस्थान के इतिहास के लिए कई ग्रंथ हैं, जो अनूप संस्कृत पुस्तकालय, बीकानेर पुस्तक प्रकाश, जोधपुर प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर, उदयपुर साहित्य संस्थान उदयपुर, प्रताप शोध संस्थान उदयपुर, नटनागर शोध संस्थान सीतामऊ मध्य प्रदेश आदि में सुरक्षित है। पृथ्वीराज विजय जयानक ने 12वीं शताब्दी के अंतिम चरण में पृथ्वीराज विजय महाकाव्य लिखा। इस काव्य में शपाल दक्ष के चौहानों की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। यह अजमेर के उत्तरोत्तर विकास को जानने के लिए उपयोगी है। हमीर महाकाव्य। नयन चंद्र सूरीकृत हमीर महाकाव्य 1403 ईस्वी चौहानों के इतिहास की जानकारी तो उपलब्ध करवाता ही है, साथ ही अलाउद्दीन खिलजी की रणथंभौर विजय एवं उस समय की सामाजिक धार्मिक अवस्था का बोध कराने में भी बड़ा सहायक है। इसमें दिए गए वर्णन की यदि फारसी तवारीखों से तुलना करें तो यह प्रतीत होता है कि लेखक ने बड़े छानबीन के साथ तथा समसामयिक ऐतिहासिक सामग्री के आधार पर रणथंभौर के चौहानों का वर्णन किया है। अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर आक्रमण की कई घटनाओं को समझने के लिए इसका एक स्वतंत्र महत्व है। इससे हमीर के चरित्र पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। राज वल्लभ। महाराणा कुंभा के मुख्य शिल्पी मंडन ने 15वीं शताब्दी में इसकी रचना की। यह ग्रंथ स्थापत्य कला को समझने की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा नगर, ग्राम, दुर्ग, राजप्रासाद, मंदिर, बाजार आदि के निर्माण की पद्धति पर पूरा प्रकाश पड़ता है। इस ग्रंथ में कुल 14 अध्याय हैं। भट्टी काव्य। यह काव्य 15वीं शताब्दी में रचा गया था। इसमें जैसलमेर की राजनीतिक तथा सामाजिक स्थिति का वर्णन है। महाराजा अक्षय सिंह के प्रासादों तथा तुलादान आदि का भी इसमें रोचक वर्णन है। राज विनोद। इस ग्रंथ की रचना भट्ट सदाशिव ने बीकानेर के महाराजा कल्याणमल की आज्ञा से की थी। इसमें विविध विषयों जैसे सामाजिक, आर्थिक, सैन्य आदि का वर्णन है। लेखक ने इसमें किलों के निर्माण तथा सैनिक उपकरणों के विषय में अधिक प्रकाश डाला है। एकलिंग महात्म्य। महाराणा कुंभा रचित एकलिंग महात्म्य से गुहिल शासकों की वंशावली तथा मेवाड़ के सामाजिक संगठन की झांकी मिलती है। कर्मचंद वंशोत्कीर्तनम काव्यम जयसोम विरचित 16वीं शताब्दी का यह ग्रंथ बीकानेर के शासकों के वैभव और विद्यानुराग पर अच्छा प्रकाश डालता है।
इस युग के पुस्तकालय, मंदिर, पाठशालाएं, भिक्षु गृह, नगर, फाटक, बाजार, बस्तियों, राजप्रासाद आदि से संबंधित जानकारी के लिए ये ग्रंथ उपयोगी है। अमर सार, इसकी रचना पंडित जीवधर ने 16वीं शताब्दी में की थी। इस काव्य में महाराणा प्रताप और अमर सिंह प्रथम के संबंध में उपयोगी जानकारी मिलती है। तत्कालीन रहन सहन, आमोद प्रमोद, जनजीवन की झांकी के लिए अमर सार एक महत्वपूर्ण स्रोत है। राज रत्नाकार, इस ग्रंथ की रचना विद्वान लेखक सदाशिव ने महाराणा राज सिंह के समय में की थी। इसमें 22 सर्ग हैं। महाराणा राज सिंह के समय के समाज चित्रण तथा दरबारी जीवन के वर्णन में लेखक ने अपनी निपुणता का परिचय दिया है। तत्कालीन शिक्षण व्यवस्था एवं पाठ्यक्रम के लिए भी ये ग्रंथ उपयोगी है। अजीतोदय, जोधपुर नरेश अजीत सिंह के दरबारी कवि जगजीवन भट्ट द्वारा रचित अजीतोदय मारवाड़ के इतिहास की रचना के लिए महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस ग्रंथ में महाराजा जसवंत सिंह और अजीत सिंह के समय के युद्धों, संधियों, विजयों के साथ उस समय के प्रचलित रीति रिवाजों और परंपराओं की भी जानकारी मिलती है। मारवाड़ की कई ऐतिहासिक घटनाओं के अध्ययन के लिए ये ग्रंथ बड़ा उपयोगी है। राजस्थानी साहित्य, इतिहास विषयक राजस्थानी कृतियाँ गद्य और पद्य दोनों में मिलती है। सामान्यतः ये रचनाएँ राज्याश्रय में यानी राज्यों के आश्रय में लिखी गई ऐसी ऐतिहासिक गद्य कृतियों में ख्यात, बात, विगत, वंशावली, हाल, हकीकत, याददाश्त, बही आदि को ले सकते हैं। राजस्थानी पद्य कृतियों में रासो, विलास, प्रकाश, रूपक, वचनिका, वेली, जमाल, झूलना, दूहा, छंद आदि को लिया जा सकता है। 16वीं शताब्दी से पूर्व रासो साहित्यिक प्रचुर मात्रा में मिलता है। इसके पश्चात राजस्थानी ऐतिहासिक गद्य के अनेक रूप देखे जा सकते हैं, जैसे ख्यात, वात, वंशावली, पीढ़ियावली, पीढ़ियावली, पट्टावली, विगत, हकीकत, हाल, याद, वचनिका आदि। राजस्थानी परंपरा में ख्यात इतिहास को कहते हैं। बात में किसी व्यक्ति, जाति, घटना या प्रसंग का संक्षिप्त इतिहास होता है। ख्यात बड़ी होती है और बात छोटी होती है। वंशावली और पीढ़ियावली में पीढ़ियों का वर्णन होता है, जिनके साथ में प्रायः व्यक्तियों का संक्षिप्त या विस्तृत परिचय होता है। पट्टावली में जागीरदारों के पट्टे अर्थात जागीरों का वर्णन होता है। हकीकत और हाल में किसी घटना या प्रसंग का विस्तृत विवरण होता है। याद, याददाश्त को कहते हैं। वचनिका ऐतिहासिक काव्य होता है। ऐतिहासिक दृष्टि से उपयोगी कपितय राजस्थानी साहित्य निम्न है। साहित्यिक स्रोत कान्हड़ते प्रबंध, इसकी रचना कवि पद्मनाभ ने जालौर के शासक अखेराज के आश्रय में 15वीं शताब्दी में की थी। इस काव्य का आधार अलाउद्दीन खिलजी का जालौर आक्रमण है, जिसमें जालौर का शासक कान्हड़दे, उसका पुत्र वीरमदे और उसके अनेक साथी तुर्की सेना से लड़कर काम आए। इसमें कई महत्वपूर्ण राजनीतिक तथा सामाजिक तथ्य भी छिपे पड़े हैं। इस कृति में कुछ अन्य ऐतिहासिक अंश भी जुड़े हुए हैं। इस अवसर पर किए गए जौहर का भी कवि ने अच्छा वर्णन किया है। इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि लेखक ने इसमें वर्णित अंशों को राजकीय ऐतिहासिक सामग्री से पुष्ट किया था। राव जेतसिरो छंद,
इसकी रचना बिट्ठू सुजा ने 16वीं शताब्दी में की थी। इस ग्रंथ द्वारा बीकानेर के शासक जैत सिंह की युद्ध प्रणाली तथा स्थानीय रीति रिवाजों की जानकारी मिलती है। इस कृति में कामरान द्वारा बटनेर किले पर किए गए आक्रमण का वर्णन है, जिसमें बीकानेर के कई वीर किले को मुगलों के चंगुल से बचाने के प्रयास में वीर गति को प्राप्त हुए। वेली किशन रुक्मणीरी, इसकी रचना बीकानेर के राजकुमार पृथ्वीराज राठौड़ ने की थी। वह अकबर के दरबार का सम्मानित दरबारी था। यह कृति मूलतः भक्ति रथ से संबंधित है, परंतु इससे तत्कालीन रहन सहन, रीति रिवाज, उत्सव, त्यौहार, वेशभूषा आदि पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। राज रूपक, इसकी रचना वीर भाण रत्नू ने की थी। यह जोधपुर के महाराजा अभय सिंह का समकालीन था। इसमें अभय सिंह द्वारा लड़े गए कई युद्धों का आंखों देखा वर्णन है। सूरज प्रकाश, यह कृति जोधपुर के महाराजा अभय सिंह के दरबारी कवि करणीदान द्वारा रचित है। इसमें अभय सिंह के समय के युद्धों का आंखों देखा वर्णन है। उस समय के सामाजिक इतिहास के अध्ययन के लिए इसका अधिक उपयोग है। तत्कालीन वेशभूषा, खान पान, रीति रिवाज, विवाह, उत्सव, आखेट, यज्ञ, दान पुण्य, यात्रा आदि का सजीव वर्णन इस ग्रंथ में किया गया है। वर्णन धारा प्रवाह तथा भाषा लावण्य इस ग्रंथ की विशेषता है। रासो साहित्य, मध्यकाल में राजस्थानी विद्वानों ने राजाओं एवं राजवंशों की प्रशंसा में काव्यों की रचना की। इस प्रकार के काव्यों में इतिहास की भी सामग्री उपलब्ध है। ऐसे काव्यों को रासो साहित्य कहा जाता है। रासो ग्रंथों में चंद्र बरदाई का पृथ्वीराज रासो, नरपति नालह का विसलदेव रासो, कविया गोपालदास का लावा रासो, कवि ज्ञान का क्याम खां रासो, दलपत विजय का खुमाण रासो, गिरधर आसिया का सगत रासो, जोधराज का हमीर रासो आदि प्रमुख है। ज्यादातर रासो साहित्य 16वीं शताब्दी के पूर्व लिखा गया। रासो साहित्य का ऐतिहासिक उपयोग अत्यंत सावधानी से करने की जरूरत है। रासो साहित्य से हमें तत्कालीन राजपूत राज्यों की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थिति के बारे में उपयोगी जानकारी मिलती है। ख्यात साहित्य, ऐसा साहित्य जो ख्याति को प्रतिपादित करे ख्यात साहित्य कहलाता है। ख्यात शब्द संस्कृत के शब्द प्रख्यात का अपभ्रंश है। अधिकांशतः ख्यात लेखक दरबारी, चारण या पाठ होते थे, किंतु मोहनोत नैनसी इसके अपवाद है। ख्यातों में प्राय प्रसिद्ध राजपूत राजवंशों की स्थापना, राजाओं का वंशक्रम, उनकी उपलब्धियों एवं कार्यकलापों का वर्णन मिलता है। ख्यातों से विभिन्न ठिकानों के बारे में भी जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त प्रसंगवश ये ख्यातें सामाजिक एवं आर्थिक इतिहास को जानने के लिए भी विशेष रूप से उपयोगी हैं। यद्यपि ख्यातों का वर्णन अक्सर अतिशयोक्तिपूर्ण होता है, परंतु सावधानी पूर्वक इनके उपयोग से स्थानीय इतिहास का ताना बाना अच्छी तरह से बुना जा सकता है। राजस्थान की प्रसिद्ध ख्याते हैं मोहनोत नैनसिरी ख्यात, दयाल दासरी ख्यात, जोधपुर राज्यरी ख्यात, जैसलमेररी ख्यात, मुंडियारी ख्यात, बांकीदासरी ख्यात, राठौड़ारी ख्यात आदि। 16वीं शताब्दी के लगभग राजस्थानी भाषा में इस प्रकार का साहित्य लिखा जाने लगा। कतिपय प्रमुख ख्यातकारों एवं उनकी रचनाओं का वर्णन आगे के पृष्ठों में किया गया है। मोहनोत नैनसी,
1610 से 1670 ईस्वी। नैण सिंह जोधपुर के दीवान जयमल का ज्येष्ठ पुत्र था। वह 27 वर्ष की आयु में राज्य की सेवा में नियुक्त हुआ। शीघ्र ही वह देश दीवान बनकर जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह का विश्वासपात्र अधिकारी बन गया। दुर्भाग्यवश अपने जीवन के अंतिम वर्षों में वह महाराजा का कोपभाजन बन गया और अपमानित होने के कारण आत्महत्या करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। नैण सिंह ने 1643 ईस्वी से ही स्वतंत्र रूप से इतिहास लेखन विषयक सामग्री इकट्ठी करना प्रारंभ कर दिया। नैण सिंह की प्रसिद्ध रचना नैण सिरी ख्यात एवं मारवाड़ा परगनाई विगत है। ख्यात से राजस्थान विशेष से मारवाड़ तथा गुजरात काठियावाड़ कच्छ बघेलखंड और मध्य भारत के राजनीतिक इतिहास पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। वह मारवाड़ के सभी परगनों का क्रमबद्ध विस्तृत ब्यौरा भी लिखना चाहता था। इसके लिए उसके परगनों का सर्वेक्षण करवाया और चारण भाटों आदि से भिन्न भिन्न वंशों या राज्यों का इतिहास मंगवाकर संग्रहित किया। वह जहां भी जाता था वहां के स्थानीय कानूनों से पुराना इतिहास मालूम करके लिख लेता था। इसी भांति अपने रिश्तेदारों एवं परिचितों से भी ऐतिहासिक जानकारी मंगवाया करता था। नैण सिरी ख्यात का रचना काल 1643 से 1666 ईस्वी है। ख्यात में चौहानों तथा बाटियों का काफ़ी विस्तार से विवरण दिया गया है। 14वीं शताब्दी के बाद के राजपूतों के राजनीतिक इतिहास के लिए यह ख्यात फारसी ग्रंथों से भी ज़्यादा महत्व की है। विभिन्न रियासतों की भूगोल विषयक जानकारी के लिए ये ख्यात उपयोगी है। नैण सिरी ख्यात की सत्यता तथा यथार्थता को सभी लेखकों ने एक स्वर में प्रशंसा की है। मारवाड़ रा परगनारी विगत से मारवाड़ के परगनों कस्बों की आबादी वहां के जनजीवन सामाजिक धार्मिक व आर्थिक व्यवस्था पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। मुंशी देवी प्रसाद ने नैण सिंह को राजस्थान का अबुल फजल कहा है। काली कारंजन कानूनगों ने उसे अबुल फजल से भी अधिक योग्य बताया है। नैण सिंह अबुल फजल की भांति राज्याश्रित इतिहासकार नहीं था। उसका इतिहास संयोजन संभवतः है अबुल फजल से अधिक वैज्ञानिक स्पष्ट या निष्पक्ष है। राजस्थान के इतिहास लेखन में नैण सिंह का ग्रंथ निसंदेह है, अमूल्य आधार ग्रंथ है। बांकी दास आशिया 1781 से 1833। चारण लेखकों में बांकी दास का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। मुनि जिन विजय ने उसे एक महान कवि और इतिहासकार स्वीकार किया है। वह जोधपुर के महाराजा मान सिंह का विश्वास पात्र था। महाराजा मान सिंह उससे प्रथम भेंट में ही इतने प्रभावित हो गए थे कि बांकी दास को लाख पसाव से सम्मानित किया गया। बांकी दास डिंगल पिंगल संस्कृत फारसी आदि भाषाओं का अच्छा जानकार था। उसकी प्रसिद्ध रचना उसकी ख्यात है, जिसे ऐतिहासिक टिप्पणी संग्रह कहना अधिक उपयुक्त है। इसमें लगभग 3000 फुटकर बातें हैं, जो एक पंक्ति से लेकर 6 पंक्ति तक है। याददाश्त के रूप में लिखी गई कई बातें बड़ी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण है। कई ऐसी बातें हैं जो अन्यत्र कहीं नहीं मिलती। उसकी ख्यात की एक कमी यह है कि इसके वर्णन में क्रमबद्धता का अभाव है और उसके कई बार इसकी पुनरावृत्ति भी की है। गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार बांकी दास की ख्यात इतिहास का खजाना है।
राजपूताना व तमाम राज्यों के इतिहास संबंधी रत्न उसमें भरे पड़े हैं। गोपीनाथ शर्मा ने ख्यात के महत्व के बारे में लिखा है। इनकी बातों में अनेक प्रकार के भौगोलिक विषयों, रहन सहन, रीति रिवाज, वाणिज्य व्यवस्था आदि पर प्रकाश पड़ता है। मध्यकालीन समाज के समाजशास्त्रीय अध्ययन के लिए बांकीदास की ख्यात उपादेयता असंदिग्ध है। दयालदास सिंधियाच 1798 से 1891 ईस्वी बीकानेर के चारण जाति के दयालदास में कई खूबियां एक साथ थी। वह इतिहासकार, ख्यातकार, कवि और तत्कालीन मारवाड़ी भाषा का उच्च कोटि का गद्य लेखक था। वह बीकानेर के महाराजा रतन सिंह का राज दरबारी था। बीकानेर नरेश को इस बात का बड़ा दुख था कि कर्नल टोड ने बीकानेर राजवंश को राजस्थान के राज्यों में द्वितीय श्रेणी का माना था। वह चाहते थे कि टोड की यह मान्यता निरस्त हो। इस कारण महाराजा ने दयालदास को बीकानेर का इतिहास लिखने का आदेश दिया। दयालदास की रचनाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृति बीकानेर रे राठौड़ानी ख्यात है, जो दयालदास री ख्यात के नाम से अधिक प्रसिद्ध है। दयालदास एक राज्याश्रित इतिहासकार था और उसने बीकानेर नरेशों की उच्चता सिद्ध करने में अपनी लेखनी का भरपूर प्रयोग किया, जिससे उसकी ख्यात कई स्थानों पर एक पक्षीय वर्णन चित्रित करती है। फिर भी उसका ग्रंथ राजस्थान के इतिहास लेखन के स्रोत सामग्री की दृष्टि से उपयोगी है। सबसे बड़ी बात यह है कि बीकानेर राज्य का क्रमबद्ध इतिहास हमें सर्वप्रथम दयालदास की ख्यात से ही मिलता है। सूर्यमल मिशन। बूंदी के कवि सूर्यमल मिश्र की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना वंश भास्कर है। यह पद्य भाषा में लिखा गया महाकाव्य है। आलमशाह खान की टिप्पणी है कि वंश भास्कर, जिसके पारायण से राजाओं ने राजत्व समझा, पंडित शास्त्रियों ने नीति और शस्त्र गुना, कलावंतों ने कलाएं जानी, कवि आचार्य साहित्य की परख करने में समर्थ बने और राजस्थान के इतिहास प्रणेताओं ने इसे आधार बनाकर चलने में ही अपनी सिद्धि देखी। युवा मरुवीरों ने इसमें अपने रक्त का रंग देखा, बाल वृंद ने केसरिया रंग का जादू समझा, तो वृद्ध जनों ने इसे पढ़कर मूछों पर अपने हाथ फेरे। इस प्रकार वंश भास्कर काव्य और इतिहास के रूप में ही नहीं, अपितु भारतीय ज्ञान परंपरा के समृद्ध कोष और राजस्थानी सभ्यता संस्कृति के स्मारक के रूप में प्रख्यात हुआ। 4000 मुद्रित पृष्ठों में 1,25,000 छंदों के वंश भास्कर में मूलतः है बूंदी के हाड़ा चौहानों का इतिहास है। बूंदी राज्य के इतिहास को लिपिबद्ध करते समय प्रसंगवश उन राज्यों और शासकों का वर्णन मिलता है जिनके बूंदी नरेशों के साथ दूर पास के संबंध थे। इस ग्रंथ में वीर प्रसंगों, युद्ध वर्णनों तथा उपयोगी ज्ञान की विस्तृत जानकारी देने वाला अद्वितीय ग्रंथ है। आलम शाह खान के अनुसार नगर जीवन की छयमान सामंत काल के जनजीवन का साकार चित्र जिस प्रकार वंश भास्कर में मिलता है, अन्यत्र दुर्लभ है। सूर्यमल्ल मिश्र ने बूंदी के शासक महाराव राम सिंह के आदेश पर इसे 1840 ईस्वी में लिखना प्रारंभ किया, लेकिन 1856 ईस्वी में यकायक उसने लिखना बंद कर दिया। यद्यपि उसकी कृति त्रुटि रहित नहीं है, उसने बिना ऐतिहासिक परख के सामग्री को जोड़ दिया तथा घटनाओं एवं तथ्यों का विश्लेषण नहीं किया।
वह मूलतः एक कवि था, अतः साहित्य कृति में अधिक तथ्यों की तलाश बेमानी होगी। सूर्यमल मिश्र की अन्य रचना वीर सत्सई है, यह वीर रस प्रधान कृति है। इसकी पृष्ठभूमि 1857 ईस्वी की क्रांति है, परंतु कृति को क्रांति का प्रतीक मानना अति उत्साही कदम होगा। फारसी भाषा में लिपिबद्ध साहित्य पूर्व मध्यकालीन एवं उत्तर मध्यकालीन ऐतिहासिक विवरणों को क्रमबद्ध करने, उन्हें सत्यापित करने अथवा रिक्त स्थान भरने को फारसी तवारीखों का अपना महत्व है। मध्यकालीन फारसी स्रोत ग्रंथ अधिकांशतः उन लोगों द्वारा लिखे गए अथवा लिखवाए गए हैं जो घटनाओं के न्यूनाधिक रूप से साक्षी रहे हैं, अतः इनकी विश्वसनीयता है। यद्यपि इन्हें सर्वथा निर्दोष नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इन्होंने अपने मुस्लिम शासक अथवा उत्तराधिकारियों की तारीफ आलंकारिक भाषा में करने में न तो परहेज किया और न ही उनकी कमियों अथवा पराजय को ईमानदारी से अभिव्यक्त किया। कतिपय बादशाहों द्वारा लिखी गई आत्मकथाओं तथा जीवनियों में भी राजस्थान के इतिहास से संबंधित जानकारी मिलती है। हसन निजामी कृत ताजुल महासिर 12वीं शताब्दी का ग्रंथ, इससे अजमेर नगर की समृद्धि पृथ्वीराज चौहान तृतीय के अंतिम दिनों तथा मुस्लिम विजय का अभिज्ञान होता है। अजमेर, जालौर तथा नागौर आदि स्थानों पर मुस्लिम प्रभाव के वर्णन के लिए मिनहाज उस सिराज कृत तबकाते नासिरी 13वीं शताब्दी का ग्रंथ है, उल्लेखनीय है। अमीर खुसरो की तारीख ए अलाई, देवल रानी खिज्र खां खजाइनुल उल फुतू है 13वीं-14वीं शताब्दी के ग्रंथ आदि रचनाओं में अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ एवं रणथंभौर विजय की जानकारी प्राप्त होती है। जियाउद्दीन बरनी की तारीख ए फिरोजशाही एवं याहिया बिन अहमद सरहिंदी की तारीख ए मुबारकशाही, इसमें खिलजी वंश के शासकों के साथ साथ राजस्थान के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण सामग्री भी उपलब्ध है। इसी प्रकार बाबर की आत्मकथा बाबरनामा, जहांगीर की तुजुक ए जहांगीरी, गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई हुमायूं नामा आदि में राजस्थान से संबंधित उपयोगी जानकारियां प्राप्त होती है। बाबर नामा से बाबर के साथ सांगा के संबंध, तुजुक के जहांगीरी से जहांगीर एवं मेवाड़ के साथ संधि की परिस्थितियों एवं शर्तों का पता चलता है। इसके अतिरिक्त राजपूतों का मध्य प्रेम, राजपूत राजकुमारियों का शाही घरानों में विवाह है, दशहरा, होली, दीपावली आदि पर्वों के बारे में भी विस्तृत जानकारी मिलती है। हुमायूं नामा से हुमायूं के मारवाड़ और मेवाड़ के शासकों के साथ संबंधों की जानकारी मिलती है। अबुल फजल कृत अकबर नामा में मेवाड़, अलवर, भरतपुर और जयपुर के आसपास के क्षेत्रों की विस्तृत भौगोलिक जानकारी दी हुई है। प्रताप एवं अकबर के संबंधों के एक पक्षीय विवरण को जानने के लिए अकबर नामा उपयोगी है। इसी प्रकार अबुल फजल ही आईने अकबरी, अजमेर की जलवायु, राजस्थान की वेशभूषा, राजस्थान में मनाए जाने वाले पर्व त्यौहार, मुद्रा आदि के बारे में जानकारी उपलब्ध कराती है। अब्बास खान सरवानी की तारीख ए शेरशाही से शेरशाह एवं मालदेव के संबंधों का ज्ञान होता है। इसी प्रकार अब्दुल हमीद लाहौरी कृत बादशाह नामा, मोहम्मद साकी मुस्तैद खां द्वारा रचित मासीर ए आलमगिरी शाहजहां कालीन राजस्थान के इतिहास को जानने के लिए उपयोगी है। बादशाहों द्वारा जारी किए गए फरमानों, दरबार के अखबारों
आदि से भी राजस्थान के इतिहास को जानने में सहायता मिलती है। पूरा लेख सामग्री राजस्थान का इतिहास जानने में मूल स्रोतों में लेखबद्ध सामग्री का बड़ा महत्व है। वर्तमान काल से पूर्व लिखे गए अथवा लिखवाए गए राजकीय अर्ध राजकीय अथवा लोक लिखित साधन पुरालेख सामग्री के अंतर्गत आते हैं। विशिष्ट प्रशासकीय सामग्री को जिसे अधिकृत रूप से कार्यालय विशेष या पुरालेखागार की अभिरक्षा और भावी संदर्भ के लिए सुरक्षित रखा जाता है पुरालेखागार कहलाता है। पुरालेखागार में रखे पुराने अभिलेखों का शोध आदि प्रयोजन के लिए पाठक बिना किसी प्रतिबंध के देख एवं प्रयोग कर सकते हैं। मध्यकाल एवं आधुनिक काल में राजस्थान की विभिन्न रियासतों में प्रशासकीय प्रलेखों को व्यवस्थित रूप से रखा जा सकता था। साथ ही पांडुलिपियों ग्रंथों आदि का भी संग्रह किया जा सकता था। ऐसे संग्रह स्वतंत्र रूप से भी मंदिरों मठों हवेलियों ठिकानेदारों के आवासों आदि में मिलते हैं। प्रमुख पुरालेखीय सामग्री मुगल प्रशासन में सरकारी कामकाज या कागज पत्रों को संग्रहित करने की प्रवृत्ति थी। मुगलों का प्रभाव राजपूत शासकों पर भी पड़ा। इन्होंने भी राजकीय पत्रावलियों के संग्रह की ओर ध्यान देना प्रारंभ किया। राजस्थान में पुरालेखीय स्रोत का विशाल संग्रह राज्य अभिलेखागार बीकानेर और उसके अधीन विभिन्न वृत्त अथवा जिला अभिलेखागारों में सुरक्षित है। राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली में भी राजस्थान से संबंधित काफ़ी रिकॉर्ड उपलब्ध है। यह रिकॉर्ड उत्तर मध्यकालीन और आधुनिक काल के इतिहास के मुगल शासन एवं ब्रिटिश सरकार से संबंधित है। संपूर्ण अभिलेख सामग्री को राजकीय संग्रह अथवा संस्थागत या निजी सामग्री को व्यक्तिगत रूप के संग्रह में विभाजित करते हुए फारसी उर्दू राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा में लिखित पुरालेख साधन में वर्गीकृत किया जाता है। फारसी उर्दू भाषा में लिखित सामग्री में फरमान मंसूर रुक्का निशान अर्जदास्त हुस्पुल हुक्म सनद इंशा वकील रिपोर्ट और अखबारात आदि उपलब्ध होते हैं। राजस्थानी या हिंदी भाषा में पट्टे परवाने बहियां खरीते खतूत अर्जियां हकीकतें यादास्त रोज नामचे गांव के नक्शे हले हवाले पानड़ी अखबार आदि प्रमुख है। अंग्रेजी भाषा में लिखी अथवा प्रकाशित पुरालेख सामग्री में राजपूताना एजेंसी रिकॉर्ड रिकॉर्ड्स ऑफ फॉरेन एंड पॉलिटिकल डिपार्टमेंटल टूर मेमोयर्स पत्रांकन आदि प्रमुख है। उपयुक्त सामग्री क्षेत्र अथवा प्राचीन रजवाड़ों के संबंध के अनुसार निम्न रूप से जानी जाती है। जोधपुर रिकॉर्ड बीकानेर रिकॉर्ड अथवा मारवाड़ रिकॉर्ड्स जयपुर रिकॉर्ड्स कोटा रिकॉर्ड अथवा हाड़ोती रिकॉर्ड्स उदयपुर रिकॉर्ड अथवा मेवाड़ रिकॉर्ड्स। संस्थागत या निजी संग्रहालयों ने राजस्थानी शोध संस्थान चौपासनी जोधपुर में सुरक्षित शाहपुरा राज्य का रिकॉर्ड उदयपुर में प्रताप शोध संस्थान गोरी शंकर हीराचंद ओझा संग्रह शोध संस्थान जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ नाथूलाल व्यास संग्रह तथा राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर का आबू कलेक्शन नटनागर शोध संस्थान सीतामऊ मध्य प्रदेश आदि में सुरक्षित गुलगुले रिकॉर्ड्स अगरचंद नाहटा कलेक्शन बीकानेर आदि मुख्य हैं। राजस्थान के इतिहास एवं साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण पांडुलिपियां सुरक्षित है।
जयपुर राज्य से संबंधित रिकॉर्ड्स भी अत्यधिक महत्व के हैं। डॉक्टर वी एस भटनागर के अनुसार यह भंडार ऐतिहासिक तथ्यों को जानने के लिए एक विशाल खजाना है और भंडार का गहन अध्ययन निश्चित रूप से राजस्थान के इतिहास की अनेक भूलों को सुधारने में सहायक सिद्ध हो सकता है। जयपुर रिकॉर्ड्स को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा जा सकता है। 1, खरीता। खरीता उन पत्रों को कहते हैं जो एक शासक के द्वारा दूसरे शासक को भेजे जाते थे। इन पत्रों से जयपुर के शासकों की नीति, उनका मुगल मराठों से संबंध तथा राजाओं से गोपनीय समझौते आदि की जानकारी मिलती है। अखबारात, यह मुगल दरबार द्वारा प्रकाशित दैनिक समाचार पत्रों का संग्रह है। इनसे मुगल दरबार की महत्वपूर्ण नियुक्तियां एवं राजस्थान के विभिन्न शासकों के कार्यकलापों की जानकारियां मिलती है। वकील रिपोर्ट्स, मुगल राज्यों में राजपूत राज्यों का एक प्रतिनिधि रहता था जिसे वकील कहा जाता था। इन वकील के माध्यम से शासकों को मुगल दरबार की गतिविधियों की रिपोर्ट प्राप्त होती थी जो वकील रिपोर्ट कहलाती थी। इनके अध्ययन से न केवल राजपूत शासकों और मुगल सम्राटों के आपसी संबंधों का पता चलता है अपितु मुगल दरबार में होने वाली कूटनीतिक घटनाओं, राजनीतिक षड्यंत्रों, उत्तराधिकार संघर्षों और अमीरों की दलबंदी की भी जानकारी मिलती है। वकील रिपोर्ट से राजस्थान के तिथि क्रम को ठीक से निर्धारित करने में भी सहायता मिलती है। इनसे मुगल कालीन जनजीवन की भी जानकारी मिलती है। परवाना, शासक द्वारा अपने अधीन कर्मचारियों को भेजे गए पत्र फरमान कहलाते थे। इन पत्रों से विभिन्न राज्यों की राजनीतिक घटनाओं के अतिरिक्त सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक स्थिति की भी जानकारी मिलती है। जयपुर के अलावा अन्य अभिलेखागारों यथा उदयपुर, जोधपुर, कोटा आदि में भी पर्याप्त स्रोत सामग्री मिलती है। 1878 ईस्वी में कोटा अनुभाग का रिकॉर्ड शुरू होता है। इसमें करीब 6000 बस्ते हैं। प्रत्येक बस्ते में लगभग 6 पत्र सुरक्षित हैं जो तिथि क्रम में व्यवस्थित हैं। इन्हें 4 भागों में विभक्त किया जाता है। ए, द्वारकी। दो परतों वाले दस्तावेज द्वारकी नाम से जाने जाते हैं। इन परतों में मुख्य रूप से दैनिक प्रशासन, युद्ध से संबंधित खर्च, घायलों के उपचार आदि पर प्रकाश पड़ता है। जमाबंदी, ये पत्र राजस्व से संबंधित है। अधिकतर पत्रों में चुंगी तथा जंगल लात का हिसाब आदि है। ये पत्र राज्य की आर्थिक स्थिति जानने के लिए उपयोगी है। मुल्की, ये हिसाब से संबंधित बहियां हैं जिनमें 3 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक का हिसाब मिलता है। इनमें राज्य की आमदनी, कर्मचारियों के वेतन आदि से संबंधित ब्यौरा है। तलकी, इनमें राजाओं के आदेश तथा अन्य राज्यों के शासकों, सामंतों एवं अन्य कर्मचारियों को भेजे हुए पत्रों की नकलें हैं। सियाज हुजूर तथा दस्तूर कौमवार, जयपुर राज्यों से संबंधित ये पुरालेख बड़े महत्व के हैं। राज परिवार की दैनिक आवश्यकताओं के खर्च का विवरण हमें सियाज हुजूर के प्रलेखों में मिलता है। दस्तूर कौमवार में हमें राज्य के अधिकारियों के नाम एवं जातिवार ब्यौरा मिलता है जिससे उस समय की सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक स्थिति का ज्ञान होता है। अन्य अभिलेखीय सामग्री, अन्य अभिलेखीय सामग्री में आमेर रिकॉर्ड जयपुर अभिलेखागार से संबंधित ही है। यद्यपि इनमें जयपुर राज्य से संबंधित सामग्री अधिक है, फिर भी अन्य राज्यों के राजनीतिक,
सामाजिक एवं प्रशासनिक इतिहास को लिखने में इसका बड़ा महत्व है। यहाँ सुरक्षित पत्रों में विभिन्न राज्यों के उच्च अधिकारियों द्वारा जयपुर के अधिकारियों को लिखे गए पत्र का उल्लेख है। 1585 से 1799 ईस्वी के मध्य दिल्ली के बादशाहों द्वारा लिखे गए 140 फरमान, 18 मंसूर तथा 132 निशान जयपुर रिकॉर्ड में सुरक्षित हैं। फरमान और मंसूर बादशाह द्वारा अपने सामंतों, शाहजादों, शासकों या प्रजा को स्वयं या अन्य से लिखवाकर भेजा जाता था। इन पत्रों पर शासक का पंजा लगा रहता था। निशान नामक पत्र शाहजादों या बेगमों द्वारा बादशाह के अतिरिक्त अन्य को लिखे गए पत्र कहलाते थे। फरमान एक ओर राजपूत राजाओं की तत्कालीन मुगल शासन में स्थितियों से अवगत कराते हैं तो दूसरी ओर उनके जनजीवन को भी इंगित करते हैं। हमें अभिलेखागार में संग्रहित पुरालेख सामग्री में अन्य कई प्रकार के प्रलेख प्राप्त होते हैं। इनमें अर्जदास्त, हुस्बुल हुक्म, रमज, अहकाम, सनद, रुक्का, दस्तक, अखबारात आदि हैं। अर्जदास्त प्रजा द्वारा बादशाहों या शाहजादों द्वारा बादशाहों को लिखे जाने वाले पत्र थे। हुस्बुल हुक्म बादशाही आज्ञा से संबंधित थे जो वजीर अपनी ओर से लिखता था। रमज तथा अहकाम बादशाहों द्वारा अपने सचिव को लिखवाई गई टिप्पणियां थी जिसके आधार पर सचिव पूरा पत्र तैयार करता था। सनद नियुक्ति अथवा अधिकार हेतु प्रदान किया जाता था। रुक्का निजी पत्र कहलाता था। परवर्ती काल में शासक की ओर से प्राप्त पत्र को खास रुक्का कहते थे। दस्तक के आधार पर सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया ले जाया जा सकता था। यह आधुनिक परमिट के समान था। राज्य और दरबार की कार्रवाइयों की प्रोसीडिंग्स को अखबारात कहा जाता था। 17वीं शताब्दी से प्राप्त खरीता शासकों के पारस्परिक पत्र व्यवहार है। इनका संग्रह खतूत संग्रह कहलाता है। उदाहरण के लिए जयपुर रिकॉर्ड संग्रहित फारसी उर्दू लिपि में लिखित खरीता संग्रह को खतूते महाराजन कहा जाता है। इसी प्रकार 1712 से 1947 ईस्वी तक जोधपुर राज्य के संग्रहित खरीते की 32 फाइलों को खतूत फाइल के नाम से जाना जाता है। खरीतों से तत्कालीन शासकों की मनोवृत्तियों का अभिज्ञान होता है। साथ ही इनसे तत्कालीन युग की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक स्थितियों का मूल्यांकन होता है। राजपूत राज्यों में बहियां लिखने की परंपरा मध्यकाल से ही शुरू हो चुकी थी। जिन बहियों में राजा की दिनचर्या का उल्लेख रहता था उन्हें हकीकत बहियां कहा जाता था। जिनमें शासकीय आदेशों की नकल होती थी उन्हें हुकूमतरी बही, महत्वपूर्ण व्यक्तियों से प्राप्त पत्रों की नकल जिसमें रहती थी उसे खरीता बही, विवाह आदि से संबंधित बही, ब्याहरी बही, सरकारी भवनों के निर्माण से संबंधित बहियां, कमठाणा बही इत्यादि प्रकार की बहियां राज्य अभिलेखागार बीकानेर में उपलब्ध है। सबसे प्राचीन बही राणा राज सिंह 1652 से 1680 के समय की है। इस बही से राज सिंह के काल में मेवाड़ राज्य के परगनों की उनकी आमदनी तथा अन्य प्रकार के हिसाब किताब की जानकारी मिलती है। दूसरी प्राचीन बही जोधपुर हुकूमतरी बही है। इस बही का उपयोग मुगल बादशाह शाहजहां की बीमारी से औरंगजेब की मृत्यु तक के संदर्भ में महाराजा जसवंत सिंह युगीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थितियों को जानने के लिए किया जा सकता है।
ठिकाना दस्तावेजों में बहियों की अपनी विशिष्टता है। इन बहियों के माध्यम से त्यौहार और उन्हें मनाने की विधि, विवाह आदि अवसरों पर होने वाले खर्चे तथा विभिन्न वस्तुओं के मूल्यों का लेखा जोखा प्राप्त होता है। इनसे नगर में जातियों की संरचना, स्त्रियों की स्थिति आदि के बारे में भी जानकारी मिलती है। इस प्रकार बहियां सामाजिक, सांस्कृतिक, इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है।